मैं भीम बासवर आप सबका स्वागत करता हूँ आज की मेरी इस वीडियो पे। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट मसलों पे मैं बना रहा हूँ, जैसे कि पहला है प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन पहले नहीं हो रहा था, पहले भी PPP मॉडल पे काम होते थे, FDI था, लेकिन अभी जो मोदी सरकार लार्ज स्केल पे बहुत सारे सेक्टर्स पे जो प्राइवेट कर रही है, यानी प्राइवेट कंपनी पे जो बेच रही है, इसका नुकसान काफ़ी होगा, देश का तो सबसे बड़ा नुकसान होगा। वो कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर ये सारे, जैसे कि अभी गुवाहाटी का एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, ये सब जो सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो लोग SC ST OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका जो रिजर्वेशन है वो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर पे काम नहीं करेगा। यानी जब सरकारी ऑफिसेस रहेंगे ही नहीं तो ये कोटा कहाँ लागू होगा। तो पहला नुकसान तो ST और OBC समुदाय के लोगों का होगा। दूसरा, सरकार के अंदर में जब कंट्रोल में था तो एक रेट फिक्स था, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपना मुनाफा के लिए ये सब रेट बढ़ाते रहेंगे। अब मैं बता देता हूँ कि मोदी सरकार ये सारी कंपनियों को प्राइवेटाइज क्यों कर रही है। क्योंकि सरकार का कहना है कि BSNL हो गया या एयरपोर्ट हो गया, वो घाटे पे जा रही है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्या मूर्ख है अंदानी अंबानी, ये क्या बेवकूफ़ है जो इतना पैसा लगा कर खरीद रही है सबको। क्यों? क्योंकि इन्हें यहाँ पे अपना फ़ायदा दिखा है, इन्हें बहुत सारा प्रॉफिट दिख गया है। तो जब इन कंपनियों को प्रॉफिट दिख गया है तो सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है कि रेल में प्रॉफिट है, एयरपोर्ट पे है, BSNL में प्रॉफिट है, इन्हें क्यों नहीं दिख रहा सरकार को? जब इन कंपनियों को दिख गया और खरीद के फिर अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? तो टैलेंटेड लड़के बेकार रह जाएंगे, ST ST OBC कोटा नहीं लगेगा जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। धीरे धीरे अभी तो 24% लोग तो बेरोजगार है, आगे जाके 50% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इसे रोकना